अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। YouTube के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है, ये कोई है यूज़र, उनकी तरफ से वो कहते हैं सर ये भी बता दें कि कम से कम 15 दिन के होटल और खाने का टोटल ख़र्चा कितना होगा रियल में। ठीक है, ये उम्रे पे जा रहे होंगे। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल आपने अभी पूछा है, ठीक है। आज से एक साल बाद जब ये वीडियो देखी जाएगी, आज से दो साल बाद वीडियो देखी जाएगी, उस वक्त वहाँ पे रियाल का रेट मुख्तलिफ होगा। अभी मुख्तलिफ है, आज से दो साल पहले मुख्तलिफ था, छः माह पहले मुख्तलिफ था, ठीक है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त रियाल तकरीबन 80 रुपये के करीब करीब है, राइट। पाकिस्तान में की बात कर रहा हूँ, दुनिया के दीगर ममालिक के रेट्स डिफरेंट होते हैं। तो अब इस वक्त तकरीबन 80 रुपये का रियाल चल रहा है। तो अब भी अगर आप जाते हैं 15 दिन के लिए भी, तो आपके पास एटलीस्ट 700 से 800 रियाल होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपने खाना भी है, पीना भी है, ज़ियारात में भी जाना है, दीगर सफ़र भी है, खुदा न खासा कहीं इमरजेंसी में भी ज़रूरत पड़ जाती है, और वापसी पे आपने खजूरें भी ख़रीदनी है, आप जमजम भी अब तो 5 लीटर ख़रीद के लाना पड़ता है। तो ये सारे मामलात भी हैं, इसलिए आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा रियाल होने चाहिए। फर्ज करें आपका खर्चा हो सकता है वहाँ पे 600 रियाल हो, 700 रियाल हो, तो आपके पास 800 या 900 रियाल होना चाहिए। नॉर्मली जो लोग उम्रे पे जाते हैं उनके पास 1000 रियाल तो होता ही है। तो ठीक है, कोशिश तो यही करें कि आपके पास 1000 रियाल होना चाहिए। अब 1000 रियाल भी तो 80,000 रुपये का आपको मिलेगा ना, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपके पास जो है कम से कम 700 से 800 रियाल होना चाहिए। इतना खर्चा तो आपके पास होना चाहिए लाजमी तौर पर, 700-800 रियाल 900 रियाल। लेकिन आप वहां पे रहते हुए अपना खर्चा कम से कम कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। बिलफर्ज आप वहां पे गए हैं मक्का मुकर्मा में, आपने 15 दिन टोटल फर्ज करें उमरा पैकेज है, जैसे इन्होंने सवाल में पूछा है, तो आपने ये करना है कि अपने खर्चे को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का तरीका सिंपल सा है कि आपने वहां पर रहते हुए कोशिश करनी है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपने मिल के करने हैं सब लोगों ने, जितने भी आपके साथ लोग हैं। नहीं है तो होटल साथ रूम वाले से बात कर ले, वहां मिल जाते हैं अच्छे लोग, उनके साथ मिलकर आप ज़ियारात पे जाएं, आपका खर्चा ही नहीं होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। आप 7-8 लोग मिलके एक गाड़ी करवा ले, सारी ज़ियारात करके आपको पर हेड थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ रहते हुए आपने जो खाना खाना है सारे मिलके खाएं, इंशाल्लाह आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। इसी तरह जब आप अपने होटल से मस्जिदुल हराम अगर दूर रहते हैं तो वहाँ से आप टैक्सी करवा के इकट्ठे जाएँ, आपके पैसे बच जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे मकामात पर वहाँ पर आना जाना जो होता है और दीगर जो मामलात होते हैं उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। जब वहाँ जाइएगा, जहाँ अपने लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें भी इस मुकद्दस मुअत्तर और खूबसूरत मकाम पे बुलाए, हमें भी बार बार प्यारा मक्का और मीठा मदीना देखने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।